हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने एंड्रॉयड बीटा के आपको Asus ZenFone Max Pro M2 के बारे में बताया था, तो गाइस आज फाइनली एंड्रॉयड पाई का अपडेट आ चुका और ये डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में है। तो गुड, बट गाइस जल्दी मत कीजिएगा, पहले अच्छे से बात सुन लीजिएगा और कैसे करना है वो भी जान लीजिएगा और क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। तो गाइस इसलिए वीडियो में यही बताने वाला हूँ, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि आपको इनरोल करना पड़ेगा एंड्रॉयड पाई का बीटा अपडेट पाने के लिए, तो जिन्होंने अगर इनरोल कर लिया तो उन लोगों को तो अपडेट मिल गया। और गाइस अगर आप इनरोल नहीं भी किए हो तो कोई बात नहीं, आप अब अपडेट कर सकते हो। तो गाइस सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कि गाँव में बहुत थोड़ा प्रॉब्लम करता है बीटा में जाने के लिए स्टेबल से बीटा, बट गाइस Asus में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं करता है। Asus में आपको डाउनलोड लिंक मैंने दे दिया है, उससे आप डाउनलोड कर लेना। और ये गाइस ये फाइल आपको इंटरनल मेमोरी में डालना है, इंटरनल मेमोरी में ही सेव करना। तो अगर SD कार्ड में सेव होता है तो आपको SD कार्ड से कट मार के इंटरनल मेमोरी में पेस्ट करना है, देन आपको रिबूट करना है, फ़ोन को रिस्टार्ट करना है। फ़ोन को रिस्टार्ट करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा अपडेट का, तो गाइस सिंपली अपडेट करना है। जैसे अपडेट आता है नोटिफिकेशन का कोई भी, तो आप अपडेट करते हो वैसे ही सिंपली आपको अपडेट करना है। देन अपडेट करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा इनक्रिप्ट होने में, तो गाइस इनक्रिप्ट करने के लिए थोड़ा वेट करना होगा। और गाइस ये भी ध्यान रखना कि बैटरी परसेंटेज 30% से ज़्यादा हो। और गाइज मैं ये भी बता दूं कि आपको कोई डेटा लॉस नहीं होगा, ना ही कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड पाई बीटा में आप सिंपली आराम से कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको एंड्रॉयड पाई बीटा में जाना है तो आप ऐसे डाउनलोड लिंक से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके आप जा सकते हो। तो गाइज इस वीडियो में इतने, अगर वीडियो पसंद आए तो बताना प्लीज़ कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में, और लाइक भी कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।